हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे कैरी की सिरका की रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने देसी वाला लिया है और देसी वाले से बहुत ही टेस्टी बनता है ये सिरका। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने काट के रख लिया है इस तरह से लंबे पीसेस में। और तो चलते हैं बनाने इसे। तो गुड़ को हम भिगोएंगे पानी में। तो मैंने लिया गुड़ आधा किलो से कम है थोड़ा, और इसमें डाल देंगे गुड़ ताकि इसमें अच्छे से घुल जाए गुड़ और एक घोल बन जाए। तो ये देखिए, इसे रख देते हैं साइड में। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, कढ़ाई पहले से रख दिया तेल गर्म होने को। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे काटे हुए कैरी, और इसे हमें फ्राई करना है। तो इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें, हाई लो मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, तो कैरी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, फ्राई हो गए तो इसे निकाल लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में पचफोरन डाल देंगे, जैसे सौंफ, जीरा, मेथी, राई, कलौंजी, पचफोरन डालेंगे। और इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। तो सूखी लाल मिर्च ही डालें, इससे टेस्टी होता है। इसमें हरी मिर्च ना डालें, सूखी मिर्च से ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, तो इसमें डाल देंगे गुड़ का पानी और इसे भी पकाएंगे हम अच्छे से। जब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ी ना हो जाए। तो पानी कम लग रहा है तो थोड़ी पानी और डाल देंगे, और इसे हाई फ्लेम पे इसे उबालेंगे हम। तो ये देखिए, इसे इसी तरह से पका लेंगे हमें। तो देखिए, पानी में उबाल आ गया है तो इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ कैरी, और इसे भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट। जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए तब तक पकाएंगे हम इसे। तो देखिए, सिरका हमारा गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम बंद कर देंगे गैस को और इसे रख देंगे साइड में। ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। तो देखिए, मैंने सर्व किया है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। एक बार ज़रूर बनाएं और इसे रोटी के साथ खाएं या ऐसे ही पिए सूप की तरह, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार ज़रूर बनाएं ये रेसिपी, बहुत पसंद आएगी आपको। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी।